भगत सिंह चौक के लिए प्रयासरत आदर्श पब्लिक सोशल समिति भगत सिंह यूथ ब्रिगेड ने एक बार फिर महामहिम राष्ट्रपति महोदय, भारत सरकार नई दिल्ली एवं महामहिम राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश के लिए कलेक्टर को ज्ञापन दिया और भगत सिंह चौक बनाए जाने के लिए फिर मांग उठी। युवाओं ने प्रदर्शन किया। आज हम लोगों ने बरेली मोड़ का जो है सौंदर्यीकरण भगत सिंह चौक के नाम से किए जाने के लिए मांग रखी है। जैसा कि हम कई वर्षों से हम सभी साथी प्रयासरत हैं कि बरेली मोड़ का सौंदर्यीकरण भगत सिंह चौक के नाम से हो, जिसके लिए हमने माननीय कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना जी को भी कई बार ज्ञापन सौंपा, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ नहीं दिया गया। आज हम लोगों ने फिर पुनः भगत सिंह चौक के लिए मांगे की और अजीजगंज में जो पार्क बना है जहाँ पर भगत सिंह की प्रतिमा नहीं है तो पार्क किस बात का है, नाम भगत सिंह पार्क है लेकिन जिसकी वहाँ प्रतिमा ही ना हो तो फायदा क्या है। और जैसा कि सबको पता है कि हमारा जिला शहीदों की नगरी से प्रसिद्ध है और प्रत्येक देश में, पूरे देश में जाना जाता है, तो जब शहीद आजम भगत सिंह की यहाँ कोई भी पहचान ना हो तो बड़े ही दुर्भाग्य का विषय है। और हम सब मांग करते हैं कि भगत सिंह चौक बने और उनकी विशाल प्रतिमा कायम हो यहाँ पर, ताकि हमारे देश, हमारे जिले की जो है शोभा बढ़े। बंद हो नंबर 3 सरकारी या निजी संस्थान में एक निर्धारित पाठ्यक्रम और 4 सबको रोजगार की गारंटी हो, इसके लिए BNEGA भगत सिंह राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून को लागू किया जाए और जो देश का 40 करोड़ नौजवान बेरोजगारी की चक्की में पिस रहा है उसको रोजगार दिया जाए। क्योंकि माननीय मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले वादा किया था देश की जनता से कि हम अगर प्रधानमंत्री बने तो हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, जबकि आज रोजगारों के अवसर खत्म किए जा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन चरम सीमा पर है और तमाम संपत्तियों को बेचने का काम किया जा रहा है। हम इन सब चीज़ों का विरोध करते हैं, प्राइवेटाइजेशन पर रोक लगाई जाए और भगत सिंह रोजगार योजना को जल्द लागू किया जाए, ये हमारी मांग है। और अंतिम मांग है शिक्षा का बजट देश के बजट का 10% 10% होना चाहिए, क्योंकि आज हमारा देश अशिक्षा के अंधकार में डूबा हुआ है और जिसके कारण तमाम समस्याएं पैदा हो रही। धन्यवाद।